मथुरा में 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने फैसला सुना है। कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी सैफ को एक 9 साल के बच्चे की हत्या मामले की सुनवाई में 26 मई को दोषी करार दिया गया था। आरोपी सैफ को सजा मिलने पर मृतक अरहन के परिजनों ने कहा कि आज उनके बेटे को न्याय मिला है, त्वरित कार्रवाई से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ये हमारी कोर्ट है विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जिसमें हमारे जजसाहब हैं श्री रामकिशोर यादव जी, जिनके द्वारा अहम फैसला दिया गया, फांसी की सजा से दंडित किया गया अभियुक्त को। जब तक अंतिम सांस तक उसको फंदे पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उसकी बिल्कुल भी दम न लगे। ये है, ये घटना थी 8/4/2023 की है। बच्चा 8 साल का था, जिसको की मार दिया था मृतक का, और पिता के द्वारा एक तहरीर 1900 थाना सदर बाजार में जो है मुकदमा अपराध संख्या था 101/23 का, जिसमें कि बच्चे को झूलते रहे, बच्चा मिला नहीं। अगले दिन बच्चा जो है वादी है, वादी की दुकान पर मुनीम था मुजिम, और जब उसके घर पर जाकर देखा गया तो उससे शक हुआ, शक के आधार पर उससे पूछताछ हुई। जब उसने अभियुक्त ने अपनी निशानदेही पे बच्चे की बॉडी को बरामद करवाया, बच्चे की तार से गला घोटकर बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया और उसको उसकी हत्या कर